जाके एड्रेस। तो गाइस क्या पोकेमोन हमने फिर पकड़ लिया, और ये देखो गाइस अरे सिंडिकेट्स आ गए मेरे पीछे, लड़ाई करो लड़ाई, आजा बॉल के अंदर आना यार तू। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं पैल वर्ल्ड। तो गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा हम लोग गए थे दो पोकेमोन मास्टर के साथ फाइट करने के लिए, जिसमें से हम एक पोकेमोन मास्टर के साथ हमने लड़ाई जीत ली थी, दूसरे वाले पोकेमोन मास्टर ने हमें हरा दिया था। और उसके बाद हम गए थे काफी सारे एक एडवेंचर में, हमने काफी नए नए पोकेमोन भी पकड़े। तो गाइस आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले उस एडवेंचर को, और आज हम काफी सारे नए नए पोकेमोन पकड़ने वाले हैं। तो गाइस जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक करो, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और गाइस चलते आज हम अपने नए एडवेंचर में, तो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस वेलकम बैक टू माय पैल वर्ल्ड। और यहाँ पे दो दो नए पोकेमोन घूम रहे, फिलहाल तो मैंने इन दोनों को पकड़ लिया है गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम इसी जगह पे लास्ट चेक पॉइंट पे हम यहीं पे रुके हुए थे, और यहाँ पे यार ये बार बार मुझे देख लेते हैं ना, मेरे को पीछे पड़ जाते हैं। फिलहाल गाइस मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ, उसके बाद आज मैं बताने वाला हूँ हम क्या करने वाले हैं और क्या क्या हमें एक्सप्लोर करना है। ऑलराइट गाइस फिलहाल मेरे पास 7 जो है गीगा स्पेयर बचे हुए हैं। मुझे लगता है जैसे ही गीगा स्पेयर खत्म हो जाएंगे मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और यार ये फिर मेरे पीछे पड़ के। एक काम करता हूँ अपने पोकेमोन को बुला के इनकी जो है हालत डाउन करने वाला हूँ मैं। चलो भाई मेरे पोकेमोन मास्टर और पोकेमोन बोलो मेरे डायनो इन दोनों को मार दे, और गाइस मैं इन्हें पकड़ लेता हूँ फिलहाल। तो एक आ चुका है कैप्चर में, एक तो ब्लास्ट कर दिया मेरे पोकेमोन, बहुत बहुत बढ़िया, तो आ जा वापस। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे देखता हूँ मैं फास्ट ट्रेवल कहाँ पर है, उसको लेके मैं जाता हूँ अपने बेस पे। मैं सोच रहा हूँ थोड़े से पॉकी बॉल्स यानी पैलेस पेयर बना के फिर चला जाए एक नए एडवेंचर पे। फिलहाल मैं देखता हूँ गाइस मैं मैप में किस जगह पे हूँ। फिलहाल फास्ट ट्रेवल तो मेरा यहीं पे है, यहाँ पे एक पोकेमोन भी है जिसके साथ हम फाइट कर सकते हैं। और गाइस हम एक यहाँ पे भी एक पोकेमोन है, यो बाय ये तो लेवल 45 का, इसके साथ भी हम फाइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इसके साथ फाइट नहीं करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपने बेस पे जाया जाए और कुछ नए पोकेमोन को जो मैंने पकड़े हुए हैं उनको लाके नई नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस फटाफट से मैं जाता हूँ अपने बेस पे थोड़े बहुत पहले स्पेयर बना के, उसके बाद हम चलते हैं आज के एक नए एडवेंचर पे। ऑलराइट गाइस वेलकम टू माय बेस। देख रहे हो गाइस इन लोगों ने यहाँ पे काफी सारे काम धंधा करने पे लगे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा पेंगुइन जो है माइनिंग कर रहा है। चल भाई कितने हो, किसने 22 और माइन कर दिए हैं फिलहाल। तो गाइस मैं फटाफट से काफी सारे पहले स्पेयर बनवा देता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं इसको अभी भी 10 मिनट और लगेगा हैच होने के लिए, बाकी ये सब तो अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। एक जो अंडा हमारा हैच के लिए रेडी है। तो गाइस फटाफट से मैं काफी सारे पहले स्पेयर बनाता हूँ, और उसके बाद इस अंडे को जो है हमको लास्ट में काफी खतरनाक सा अंडा मिला है। इस अंडे के अंदर कौन सा पोकेमोन है जिसने भी गेस कर लिया वो फटाफट से कमेंट कर देना। और गाइस फटाफट से पहले स्पेयर बना के इस अंडे को फोड़ के आज के एडवेंचर पे हम जाने वाले हैं। तो गाइस आप लोग कमेंट से बताओ मुझे मैं कौन कौन सी नई जगहों को एक्सप्लोर करूं, और फटाफट से मैं मिलता हूं काफी सारे पहले स्पेयर बना के। ऑलराइट गाइस फाइनली मैंने काफी सारे पैल स्पेयर बना लिए, वो भी गीगा वाले, और इस अंडे का हैच करने का समय हो चुका है। तो गाइस इस अंडे के अंदर से कौन सा पोकेमोन निकलने वाला, आ जाओ देखते हैं। ऑलराइट वो अरे तो वही पोकेमोन है जो मेरे से लड़ने के लिए आया था। तो गाइस इसको मैं जो है लेवल अपग्रेड कर सकता हूँ, और वो है मेरे पास एक नई चीज जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ गया वो। गाइस फटाफट से उसे मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया वो पोकेमोन हमारा। ऑलराइट गाइस इसका नाम है शायद रिलैक्सोसॉरस। तो आ चुका है हमारा एक नया पोकेमोन, शायद इसका नाम है सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ रिलैक्सोसॉरस। ये किधर जा रहा भाई तू, और इसकी भी टेक्नोलॉजी गाइस अभी लॉक पड़ी। तो गाइस मैं सबसे पहले देखता हूँ इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ पर आएगी। तो इसकी टेक्नोलॉजी जो दिखा रही है हमको कौन से लेवल पे। ऑलराइट यहाँ पे तक जहाँ तक मैं आ चुका हूँ वहाँ पे तक तो कोई टेक्नोलॉजी इसकी अभी फिलहाल मुझे नहीं दिखा रही है। ऑलराइट गाइस इसकी मुझे टेक्नोलॉजी मिल चुकी है, देख रहे हो कहाँ पर है लेवल 44 पे। बॉय 44 पे तक जाने के लिए गाइस मुझे बहुत समय लगने वाला है, और ये यहाँ पे इन लोगों को पानी दे रहा है। तो एक काम कर तू अंदर आ जा गाइस। गाइस अभी ये लेवल 1 का है, मेरे पास काफी सारे ट्रेनिंग मैनुअल है। तो गाइस जितने भी मेरे पास ट्रेनिंग मैनुअल है मैं सारे इसको दे देता हूँ, तो देखते हैं कितने लेवल तक जा सकता है। गाइस फटाफट से पहले मैं सारे ट्रेनिंग मैनुअल ढूंढ के इसको ट्रेनिंग मैनुअल दे देता हूँ। ऑलराइट गाइस जितने मेरे पास ट्रेनिंग मैनुअल थे वो सारे मैं लेके आ चुका हूँ। ये देखो मेरे पास 19 दो ट्रेनिंग मैनुअल है अलग अलग। अब इनका क्या काम होता है वो तो मुझे पता नहीं है, तो फटाफट से इसका मैं यूज करता हूँ इसके पास। तो देखते हैं अगर मैं एक देता हूँ इसको तो वो लेवल 6 का हो गया सीधा। 7
आठ नौ दस ग्यारह, अब क्या हो रहा है भाई, बारह, सारे मैनुअल दे दो उसको। लेवल 15 का हो चुका है और इसको भी कहाँ गया ये रहा। ले भाई सारे गाइस, तो मैंने सारे ट्रेनिंग मैनुअल जो है अपने रिलैक्सोसॉरस को दे दिए हैं और वो अब लेवल 21 का हो चुका है। वो हो, अब हम इसके साथ काफी खतरनाक सी फाइट ले सकते हैं किसी भी पोकेमोन के साथ। ये है एक वाटर टाइप पोकेमोन। ओ यहाँ पे एक चेस्ट है, फिलहाल तो मैं इस चेस्ट को लूट के आता हूँ। और गाइस अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नए एडवेंचर पे, नए नए पोकेमोन को लेके ओपन। अरे भाई इसके अंदर कुछ नया जो है चीज हमें मिली है। तो गाइस फटाफट से मैं चलता हूँ एक नई जगह पे, तो फिलहाल मैं देखते हूँ कौन सी नई जगह पे जाया जाए। आ जाओ। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अपने इस वाले एरिया को जो है एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे एक पोकेमोन है, इसको भी मैं सोच रहा हूँ इसके साथ भी फाइट कर ली जाए थोड़ी बहुत, और कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे। और वैसे भी मुझे जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी ढूंढना है फिलहाल तो। और यहाँ पे हम चलते हैं अपने मैप में, ओ फास्ट ट्रेवल में जाके, और यहाँ पे जो है मैं टीपी मारता हूँ, टेलीपोर्ट कर जाता हूँ, और यहाँ पे नए नए पोकेमोन पकड़ेंगे और उस पोकेमोन मास्टर के समीप उस पोकेमोन से भी हम फाइट कर सकते हैं। फिलहाल गाइस मैं आ चुका हूँ इस जगह पे और मैं सोच रहा हूँ उस जगह पे जाया जाए। अपने मैं चिलियट को लेके आया हूँ, चिलियट बोल रहा हूँ। नाइटविंग। अरे यार गाइस मैं अपने नाइटविंग को लेके नहीं आया, और नाइटविंग के हेल्प से ही हम उतनी दूर वहाँ जा सकते हैं। तो गाइस फटाफट से मैं सोच रहा हूँ पहले घर जाके नाइटविंग को लेके आया जाए, क्योंकि बिना नाइटविंग के हमारा कोई काम नहीं है, और ये जो है सिर्फ हमको थोड़ी दूर तक ऐसे लेके जा सकता है। तो गाइस फटाफट से मैं घर जाके नाइटविंग को लेके आता हूँ, और यहाँ पे एक और नया पोकेमोन घूम रहा है जो मेरे पास है फिलहाल। तो फटाफट से घर जाके नाइटविंग को लेके आता हूँ गाइस। ऑलराइट गाइस मैं आ चुका हूँ अपने नाइटविंग को लेके, और यहाँ पे मेरे पीछे जो है सिंडिकेट्स पड़ चुके हैं, और यहाँ पे ये काओ घूम रही है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले इसको भी पकड़ लिया जाए। तो विंड चक्कर मार के एक पैलेसियर फेंकते हैं इस पे, और फायरबॉल। ओके कैपेसिटी है बहुत बढ़िया। आ जाओ, एक पोकेमोन हमने फिर पकड़ लिया। और ये देखो गाइस, अरे सिंडिकेट्स आ गए मेरे पीछे। ये देखते हैं कौन सा हमला मारती है। ओ भाई फायर चक्कर मारता हूँ, विंड कटर ये ले, अब तो आई जाएगी बॉल के अंदर। आजा आजा आजा, और सिंडिकेट पहले इसकी, ये पोकेमोन मेरा आ जाएगा तो मैं इन लोगों से फाइट नहीं लेने वाला हूँ। चलो भाई नाइटविंग हमें यहाँ से लेके चल, और गाइस हम जाने वाले हैं उस टापू के पास, वहाँ पे जो मैंने वो टापू देखा था, कहाँ गया हो। ओके ओके चलो नाइटविंग हमें लेके चलो यहाँ से। ऑलराइट गाइस हम चलते हैं उस वाले टापू पे, नहीं वही टापू था कि कोई और टापू था, मैं देखता हूँ फटाफट से। ओके गाइस तो मैं सोच रहा हूँ इधर का एरिया एक्सप्लोर किया जाए, यहाँ पे जाया जाता है, या फिर इधर चलते हैं फटाफट से। तो मैं सही जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक ये पोकेमोन देख रहा है, इसके साथ मैंने कल पिछले एपिसोड में फाइट करी थी लेकिन ये मेरी पकड़ में नहीं आया था। फटाफट से मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ। वैसे तो मेरे पास शायद ये एक अंडे के अंदर से आ गया था, फिलहाल तो मैं इसको यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, और इसको भी मैं पकड़ने वाला हूँ। तो इसको मैं जो है बॉल जो है बदल लेता हूँ, जो है इसको मेगा स्पेयर में पकड़ेंगे, लेवल 16 का है। तो मैं एक दो पावर कटर या विंड कटर जो है नाइटविंग के साथ इसके यूज करता हूँ, और इसको पकड़ता हूँ, थोड़ी इसकी हेल्थ और कम करते हैं। ले भाई ले, और ले ये ले, दे वो तीन कटर और खाएगा तू। और एक हमला मारा, नहीं लगा भाई तेरा हमला नहीं लग सकता मेरे को। ये ले नाइटविंग, एक दो और हमले मार दे। नाइटविंग की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, स्ट्रेंथ बढ़ाने देते हैं नाइटविंग को थोड़ी सी गाइस। और एक हमला मारते ही बॉल फेंकने वाला हूँ फिर मैं। चल भाई आजा आजा बॉल के अंदर। चलो 52% कैपेसिटी गाइस, क्या ये आएगा बॉल में पहली वाली हमारी। और अब तो ये आ चुका है। ओके हमने एक और पोकेमोन पकड़ लिया है यहाँ पे गाइस, और अब उसके बाद हमें यहाँ पे एक नई चीज दिखी है, इसको भी मैं यहाँ से लेके नए नए पोकेमोन को ढूंढने वाला हूँ। ओह ये यहाँ पे मिलता है गाइस, अभी ये हमको अंडे के अंदर से मिला, और कहाँ गया ये रहा। ये लेवल 20 का है, और मेरे पास कितने लेवल का है देखता हूँ। मेरे पास है लेवल 21 का, लेवल 21 का डायन, और क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ मैं, रिलैक्सोसॉरस, और लेवल 20 का रिलैक्सोसॉरस के साथ गाइस आज हम फाइट कराने वाले। तो देखते हैं रिलैक्सोसॉरस वर्सेस रिलैक्सोसॉरस इसे कौन सा जीतने वाला है हमारे पास ये पोकेमोन। फिलहाल मैं यहाँ पे नीचे उतर जाता हूँ और अपने रिलैक्सोसॉरस को बाहर बुलाता हूँ। नाइटविंग तो अंदर आ जा, कम ऑन रिलैक्सोसॉरस। ये गाइस अब देखो मेरा वाला रिलैक्सोसॉरस जीतेगा, या वैसे तो मेरा वाला जीतेगा क्योंकि मेरा वाला ज्यादा पावरफुल है। हेलो भाई मैंने बिना शुरू करते ही फाइट हो गए, मेरे रिलैक्सोसॉरस ने उसको मारने लग गया, थोड़ी सी हेल्थ और डाउन करवा के। मैं फिलहाल इसमें कोई क्या कहते हैं हाथ नहीं बढ़ाने वाला हूँ अपने पोकेमोन का, मेरा पोकेमोन काफी पावरफुल है, और उसने उसकी हेल्थ काफी कम कर दी। एक दो पावर और मारने देते हैं, बस तू अंदर आ जा। अब पहली बॉल ट्राई, ओह
मेरी को भाई खतरनाक से मारा पहली बॉल ट्राई। और पहली बॉल के अंदर क्या ये आएगा गाइस? अगर ये आ गया तो मैं अपने मेरी दूसरी बॉल जो बर्बाद कर देता अभी, लेकिन मैंने नहीं होने दी बर्बाद। मार भाई। ओके तू वापिस आ जा। लड़ाई करो लड़ाई, आजा बॉल के अंदर आना यार तू। गाइस 28% की कैपेसिटी, एक दो और हमले लिखाएगा और ये बॉल के अंदर आना चाहेगा। अरे भाई आजा आजा, अगर इसके अंदर नहीं आया तो गाइस मैं इसमें से बुलाऊंगा, अपना स्पेयर में बदल लेता हूँ। वैसे तो आ जाएगा, नहीं आ रहा, इसमें आ भाई तू इसमें आ। ओ शीट, इसने मेरी काफी हेल्थ काट दी है, अभी भी नहीं आ रहा भाई। एक काम कर, रिलैक्स सोरे से इसे खत्म ही कर दे तू, ये आना ही नहीं चाहता तो क्या करे। ओके एक ट्राई और करूं बॉल में, अब तो आजा 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 भाई आजा। ओ शिट, ओ मेरे रिलैक्सोसॉरस ने इसको मार दिया। क्या करें गाइस, अगर ये बॉल के अंदर आ जाता हमारी पोकेमोन बॉल के अंदर तो ये हमारे साथ रहता, लेकिन ये रहना ही नहीं चाहता है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको मार दिया है। और यहाँ पे एक सिंडिकेट टावर है। ओके ओके, वहाँ पे भी एक रिलैक्सोसॉरस लड़ाई कर रहा है सिंडिकेट लोगों के साथ, और वहाँ पे सिंडिकेट लोगों ने यानी सिंडिकेट्स ने वहाँ पे एक पोकेमोन पकड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे दो नए पोकेमोन और देखिए, अरे भाई इन्होंने रिलैक्सोसॉरस को मार दिया। तो गाइस यहाँ से हम निकल लेते हैं, वैसे मैं अभी इन लोगों से फाइट नहीं लूंगा क्योंकि मेरी हेल्थ काफी कट चुकी है यहाँ पे। तो फटाफट से यहाँ पे एक पोकेमोन भागते हुए देखा मैंने, उसको पकड़ता हूँ, ये रहा। तो ये तो नॉर्मल बॉल के अंदर आ जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं जो है बॉल अपनी बदल लेता हूँ। ओए कहाँ गया मेरा धनुष? अरे सिंडिकेट्स, सिंडिकेट्स देख लेते हैं यार। तो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पे। ओके उड़ते हुए आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई नया पोकेमोन नहीं दिख रहा मुझे। ऑलराइट नीचे तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ओह वो कौन सा पेड़ है? ऑलराइट गाइस उस पेड़ के पास चलते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है वो है स्किल ट्री, उसमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे फल निकलते हैं। नाइटविंग आ गया हमारा, नाइटविंग आ जा। उस फल से हम जो है अपने पोकेमोनों की अपनी अपनी अच्छी अच्छी पावर से ताकत बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं इसके पास आ जाता हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे मुझे लग जो है लग रहा है एक फास्ट ट्रैवल, उसको भी जाके अनलॉक करेंगे। पहले तो मैं इसके अंदर देखता हूँ कौन कौन से फल लगे हुए हैं, उनको मैं ले लेता हूँ। आ भाई नीचे आ जा। ओके तीन चार फल लगे, एक दो तीन फल हैं इसके अंदर से, मैं तीनों को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके डार्क है, इलेक्ट्रिक है, ग्रास टाइप, इन सबको मैं खिला के अगर किसी भी एक पोकेमोन को अपने में खिला दूँ तो उसकी जो है पावर एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। फिलहाल मैं गाइस यहाँ पे एक नया पोकेमोन जो दिख रहा है, नहीं नया तो नहीं है फिलहाल, ये मेरे पास है। तो देखते हैं गाइस इसका लेवल कितना है, अगर ये थोड़ा लेवल बड़ा होगा यानी कि 20-25 के ऊपर तो मैं इसको पकड़ूंगा, अगर छोटा होगा तो नहीं। ओ यार ये छोटे लेवल के, इनको अभी पकड़ना बेकार है। गाइस नए आइलैंड में आप लोगों का हमारा स्वागत है। तो गाइस चलो फटाफट से उस फास्ट ट्रैवल को अनलॉक करते हैं, और यहाँ पे कोई भी नया एक पोकेमोन हमें जो दिखने वाला है उसको मैं आज पकड़ने वाला हूँ। फिलहाल तो मैंने एक या दो पोकेमोन शायद अभी, नहीं एक पोकेमोन पकड़ लिया या फिर नहीं पकड़ा ध्यान नहीं मुझे, हाँ पकड़ तो लेता अगर वो डायनो यानी रिलैक्सोसॉरस हमारी पोकेबॉल के अंदर आ जाता। तो ये रहा फास्ट ट्रैवल, इसे मैं अनलॉक करता हूँ, और यहाँ पे कोई नया पोकेमोन यार मुझे दिख नहीं रहा तो उसको भी पकड़ते हैं। गाइस आ जाओ, तो फास्ट ट्रैवल आ जा भाई, तू अनलॉक हो जा पहले फटाफट से। ऑलराइट फास्ट ट्रैवल हो चुका है अनलॉक। गाइस अब हम इधर जंगलों की तरफ चलते हैं, यहाँ पे कोई नया पोकेमोन दिखेगा तो हमें उसको हम आज पकड़ने वाले। वैसे मैं चेक करूँ मेरे पास कितने पैल स्पेयर हैं, 9 और ये 5 बचे हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा एक नया पैल दिखा है? ओ जी वाला, ये तो मुझे दिखाई नहीं, पर ये था कहाँ पे? यहीं पे होगा आसपास गाइस, शायद मैंने देखा नहीं होगा। और वहाँ पे मुझे एक अंडा दिख रहा है, और वो है डार्क एग लग रहा है मुझे, और वहाँ पे एक गुफा भी है। गाइस आप लोग कमेंट से बताना क्या हम उस गुफा के अंदर जाएं या नहीं। और यहाँ पे ये छोटा सा रैबिट जैसा पोकेमोन दिख रहा है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, नॉर्मल स्पेयर में आ जाएगा ये तो। तो एक विंड कटर मारते हैं, अरे नहीं यार एक में मर जाएगा ये। मैं तीर मारता हूँ अपने, तीर है मेरे पास, बम है, धनुष, हाँ तीर है मेरे पास, एक तीर लगेगा और ये पकड़ में आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा तू बॉल के अंदर है भाई? हाँ गाइस ये दूसरा पोकेमोन है, तो हमने पकड़ लिया ना वाटर टाइप पोकेमोन, तीन पोकेमोन पकड़ लेता मैं अगर वो रिलैक्सोसॉरस अगर मेरी टाइन ओ पोकेबॉल में आ जाता। तो ये जो है डार्क एग है, इसको मैं ले लेता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें एक ही पोकेमोन निकलता है बार बार, उसको ही काफ़ी सारे पोकेमोन हो चुके हैं उस वाले मेरे पास, तो जब मेरे पास वो 10 हो जाएंगे तो उन सबको मिला के मैं एक पोकेमोन बनाने वाला हूँ। गाइस फिलहाल तो मैं यहाँ से कुछ नए पोकेमोनों को ढूंढता हूँ और उसके बाद उसको पकड़ने वाले हम। ऑलराइट गाइस दोबारा से मुझे
रिलैक्सोसॉरस दिख चुका है, क्या दोबारा से हम इसके साथ एक फाइट करी जाए? क्यों नहीं, बिल्कुल हम दोबारा से रिलैक्सोसॉरस वर्सेस रिलैक्सोसॉरस नहीं करवाऊंगा आपके बारे में, आपके बारे में बुलाऊंगा अपने मोसांडा को। या मोसांडा लेट्स गो, वो ये उड़ता है मेरा मोसांडा गाइस। अरे मेरा धनुष कहाँ गया? अरे यार ये तो वैसे ही रिलैक्सोसॉरस को मारने पे लगे हुए हैं। पहले स्पेयर कहाँ गया? ये रहा, मार भाई मोसांडा। अरे यार इन्होंने खत्म ही कर दिया। बॉल के अंदर आजा, आजा बॉल में। यस कम ऑन गाइस, वैसे भी फाइट करने का कोई फायदा नहीं हुआ हमारे, निकल लो यहाँ से भाई, आ चुका हमारी बॉल में। ओ मैं लेवल 27 को चुका हूँ और मुझे बम मार रहे हैं भाई। ये एक बम मेरे पास भी है, रुक जाओ मैं भी मारूंगा एक बम। ये रहा बम, कैसे मारूं? ये यहाँ फेंकता हूँ, गया फट 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 गया ये, लेकिन ये अच्छे तरीके से नहीं फटा। दोबारा एक और बम फेंकते हैं, आ जाओ ये लो। अरे फेंकना क्यों नहीं मैंने, ये ले फेंक, ये जा भाई अब फट दियो, आ जाओ। ओके इन लोगों ने एक पॉकीमोन पकड़ा हुआ है जो फायर टाइप पॉकीमोन है, इसको मैं यहाँ से छुड़ा देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा और मेरा मोसांडा इन लोगों के साथ लड़ेगा। और ये कौन से लेवल का है दोस्त तू? ओके ओ डंडा मारेगा, ओ बहुत बढ़िया, और मार थोड़ा सा। ओके इसको मैंने छुड़ा लिया यहाँ से, मोसांडा मेरा फाइट कर लेगा इन लोगों से। गाइस निकलते हैं यहाँ से, हमने एक और नया रिलैक्सोसॉरस पकड़ लिया और यहाँ पे एक बॉल मिली है, बॉल जहाँ पे मिले तुरंत ले लो। आजा मोसांडा चलते हैं यहाँ से हम। और मेरा नाइटविंग कहाँ गया? आजा नाइटविंग आया, अरे उधर मत जा भाई। अरे यार ये तो लड़ने चला गया, नाइटविंग ने आ ये चल भाई नाइटविंग, हमें फाइट नहीं करनी इन लोगों के साथ। तो गाइस हमें यहाँ से निकलना है और एक नया पॉकीमोन और ढूंढ के फिर से उस पॉकीमोन को पकड़ना है। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ से थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हुए अपने इस पॉकीमोन वर्ल्ड को। ऑल राइट वैसे गाइस मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ यहाँ पे, अब देखा जाए इतने का एरिया में। वैसे यहाँ पे ही बॉस पॉकीमोन लेवल 30 का है, वैसे मेरा लेवल 27 हो चुका है, कुछ टाइम बाद लड़ेंगे। इधर के एरिया को एक्सप्लोर करने चलते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे कौन सा पॉकीमोन हमें नया मिलने वाला है गाइस, आ जाओ देखते हैं। और सामने भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यार, धीरे धीरे करके हम अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। एक टाइम बाद हमें जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगी गाइस। वैसे तो मुझे दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करना है, फिलहाल मुझे अभी तक एक भी नहीं मिली है, धीरे धीरे करके वो भी मिल जाएगी। और भाई ये कितने प्यारे माउंटेन्स लग रहे हैं, और वहाँ पे एक टावर दिख रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कोई एक खतरनाक सा पॉकीमोन मास्टर रहता होगा, तो उसके साथ भी हम फाइट करेंगे कुछ समय बाद। फिलहाल तो यहाँ पे मुझे कोई नया पॉकीमोन नहीं दिख रहा है। ओ ये देखो गाइस यहाँ पे है इस पॉकीमोन की, यहाँ मतलब यहाँ पे इसकी मूर्ति लगी हुई है, तो यहाँ पे वो पॉकीमोन हो सकता है। नाइटविंग की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो चुकी है, और यहाँ पे मुझे एक और अंडा मिला, इसको भी मैं ले लेता हूँ। ओके नाइटविंग स्ट्रेंथ बढ़ा यार। ऑल राइट गाइस ओ वाओ क्या ब्यूटीफुल जगह है, वाइट पत्थर, और यहाँ पे दो खतरनाक से पॉकीमोन है यहाँ पे, जो ये लग रहा है एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को पता है ये दोनों कौन से पॉकीमोन है तो मुझे कमेंट्स में बताना, और जो भी पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऑलराइट गाइस यहाँ पे मुझे एक फास्ट ट्रैवल दिखाया, तो मैं इसको जाके अनलॉक करता हूँ, और यहाँ पे मुझे लग रहा है नए पॉकीमोन भी हमें मिलने वाले हैं, तो गाइस हमें उन्हें भी पकड़ना है। फिलहाल मैं इसे अनलॉक करके इस जगह के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे ही होगा हमारा वो फास्ट ट्रैवल। वैसे मेरा जो है लेवल बढ़ चुका है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ पहले फटाफट से। यहाँ पे थोड़ा सा भाई कितना बड़ा पॉकीमोन था, यहाँ पे देख रहे हो गाइस उसकी यहाँ पे हड्डियाँ हैं भाई। ये कौन सा पॉकीमोन है भाई? वो पॉकीमोन ही है ना क्या है? अभी रुक जाओ गाइस देखते हैं। पहले तो गाइस मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला हूँ। ओके टेक्नोलॉजी में जाएंगे, स्ट्रेंथ को और बढ़ा दो। ऑल राइट बढ़ रही है टेक्नोलॉजी में गए। ओके अब मैं हाइपर स्पीयर बनवा सकता हूँ, जो लेवल 27 पे आने के बाद मिलता है, और मुझे स्पेयर्स की असेंबली लाइन भी बनवानी थी, ये भी मैं बना सकता हूँ अब, और हमें ये भी बनाना है। तो गाइस इसको भी हम बनाएंगे, वो शायद अगले एपिसोड में हम असेंबली लाइन वगैरह हम क्रिएट करने वाले हैं। ओके यहाँ पे ये कोई पॉकीमोन नहीं है गाइस, यहाँ पे जैसे सिंडिकेट्स हैं वैसे ही यहाँ पे के यहाँ के कौन है ये, रुक जाओ नीचे रुक जाओ। आओ भाई इनके पास कौन सी बंदूक है,
मुझे लग रहा है कोई फायर बंदूक है जिसके अंदर से आग निकलती है। तो गाइस मैं इन लोगों से कोई पंगा नहीं लेने वाला हूँ। ऑलराइट, नया आइलैंड। तो थोड़ा सा आगे जाके मुझे लगता है यहाँ पे कोई नए पोकेमोन। ओ यहाँ पे फायर, मतलब ये जो है गर्म जगह है। तो गाइस एक बार दोबारा जाके देख के आऊं क्या? ओके, हॉट 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 हॉट। तो मुझे गाइस गर्म कपड़े लेके आने पड़ेंगे इस जगह के लिए। तो फिलहाल वो तो घर पे हैं, तो उनको मैं लेके आऊंगा बाद में। तो क्या मैं दूसरी जगह से यहाँ से नहीं जा सकता हूँ? थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओ भाई क्या लग रही है भाई ये मूर्ति। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक और अंडा दिख रहा है। यहाँ पे गाइस सारे फायर टाइप पोकेमोन वाले अंडे लग रहे हैं मुझे। ओ गाइस फाइनली एक नया पोकेमोन दिख चुका है मुझे, जो लेवल 34 का है और ये फायर टाइप पोकेमोन है। इसका नाम काफी ही खतरनाक, क्या क्या खतरनाक लग रहा है ये मुझे जो है। किसकी तरह लग रहा है पहले सामने से जाके देखा जाए? या सामने से मैं इसको देख नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां पे जो है हॉट होने लग जाता हूं मैं। ओके, गिनी लग गया मुझे ये। बाय, वो वो हॉट्स हो गया मैं हॉट्स। तो गाइस मुझे लगता है ये मेरे पास गीगा स्पेयर में आ सकता है या नहीं आ सकता है? मेरे ख्याल से तो गीगा में नहीं आएगा, हाइपर में ही आ सकता है ये। तो मुझे हाइपर स्पेयर बनवाने के लिए घर जाना पड़ेगा। ओ दो दो दिख चुके हैं भाई। और ये जगह मुझे जो ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो कोई लावा वगैरह है, मतलब लावा बोल रहे हैं, वॉल्केनो बोलते हैं उसको, वॉल्केनो वगैरह है उससे निकला हुआ है लावा, उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। वाह, वहाँ पे कुछ खतरनाक सी चीजें मुझे आते हुए नीचे दिख रही है। फिलहाल गाइस एक ट्राई कर दें क्या इस पोकेमोन को हम नॉर्मल स्पेयर, यानी कि ओ यहाँ पे इनको बच के नीचे आता हूँ मैं नीचे से। ऑल राइट, यहाँ पे आके तो गाइस क्या ये हमारे गीगा स्पेयर में पकड़े जाएंगे? और इसने मुझे देख लिया है, इसको थोड़ा और आगे लेके आता हूँ। ओह शिट, एक साथ दो दोनों देख लिया यार, मैं तो सोच रहा था एक ही साथ। ओ भाई फायर भाई क्या हमला कर रहे हैं फायर क्या। नाइटविंग चल थोड़ा दूर चल भाई पहले तो तू। भाई गाइस मेरे नाइटविंग की आज इस, अरे भाई नाइटविंग की देख रहे हो गाइस कितनी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है भाई। नाइटविंग एक काम कर, तू मुझे उतार दे और तू पोकेबॉल स्फीयर के अंदर जा और अपनी हेल्थ को रिकवरी कर। तो गाइस मैं जा रहा हूँ इन लोगों से थोड़ी सी फाइट करने। क्या ये दोनों पोकेमोन, कोई भी एक पोकेमोन मेरे एक गीगा स्फीयर में आएगा या नहीं आएगा? वैसे तो मेरे ख्याल से गाइस नहीं आएगा, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार ट्राई क्यों नहीं किया जाए, जब इतनी दूर आए हैं तो ट्राई भी तो कर सकते हैं हम। वैसे गाइस जब मैं हाइपर ही नाम था इस स्पेयर का, क्या नाम था, हाँ हाइपर स्पेयर बनाऊंगा तब इन लोगों को मैं पकड़ने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं एक ट्राई करूंगा ही। तो मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ, कहाँ है वो पोकेमोन यहाँ से देखिएगा। आओ, तो मैं आ चुका हूँ गाइस यहाँ पे, ये रहा वो पोकेमोन। वो शिट भाई क्या खतरनाक सा उसने हमला किया है और मुझे गर्मी लग रही है यहाँ पे। तो यानी कि मुझे इस जगह पे इन पोकेमोन से लड़ने के लिए गाइस मुझे गर्म कपड़े पहन के आने पड़ेंगे। और फिलहाल उसने मुझे जो है आग लगा दी है। और यहाँ पे जो है कौन सा पोकेमोन है, ये वाला, इसको लेके चले एक बार क्या लड़ाई करने। आ जाओ, फिलहाल वो नीचे तो उतरेंगे नहीं, तो मेरे को लगता है गाइस मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा उनसे लड़ाई करने के लिए। ओ वाई क्या खतरनाक पोकेमोन है वो। तो गाइस चलते हैं उससे एक बार फिर से दोबारा फाइट करने। और ये क्या चीज़ है? ओके ये और है। तो नाइटविंग कहाँ है हमारा? नाइटविंग आए भाई, मुझे थोड़ा सा ऊपर छोड़ के आ जा, फिर तो अपनी हेल्थ बढ़ा लियो, ठीक है? आ जा, अरे आना बैठा मुझे। ओके गाइस, तो मैं नाइटविंग के साथ जाने वाला हूँ उससे लड़ने के लिए। फिलहाल जो अकेला हो, थोड़ा सा दूर हो, उसके साथ हम फाइट करेंगे। कहाँ गया वो? यहीं पे होगा वो। ये रहा गाइस, फिलहाल तो मुझे यहाँ पे अकेला दिख रहा है, वो दूसरा दूर चला गया। तो मैं नीचे उतर जाता हूँ यहाँ पे। आ जा नीचे, आ जा नाइटविंग, तू अंदर आ जा। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बुलाने वाला हूँ अपने, कौन से पावरफुल पोकेमोन है, कैटरेस को बुलाते हैं। वाओ भाई कैटरेस, अरे मेरे धनुष, कैटरेस फाइट करेगी इसके साथ, जा कैटरेस। तो गाइस क्या